Hello friends, I'm Neeta Sharma from Metro Computers. आइए आज मैं आपको बताती हूँ Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स के बारे में. Windows 7 के साथ हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है डले हुए आते हैं. ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बने होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमारे कंप्यूटर में डल जाते हैं. उन्हें हमें अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है. ये मैं अपनी जो एक्सपी के साथ जो पुराने वीडियोस है उसमें बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ. तो अभी हम देखते हैं कि विंडोज 7 के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स इसमें काम करने के लिए हैं. आइए देखते हैं. हम ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है. ये सब कॉमन है, आप लोग जानते हैं. ये हमारा माउस पॉइंटर है, MHS. मैंने इसको चेंज कर रखा है MHS में, वरना यहाँ पे एरो पॉइंटर आता है. ये हमारी टास्क बार है. टास्क मीन्स कार्य और बार मीन्स पट्टी, कार्य करने वाली पट्टी. चूँकि सभी काम हम यहीं से शुरू करते हैं इसलिए इसको टास्क बार कहा जाता है. और ये हमारे प्रोग्राम्स के आइकन हैं. आइकन्स मीन्स होता है छोटे चित्र. ये प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे हम ये जो आइकन है ये पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर को खोलेगा. तो ये छोटे आइकन्स जो है सॉफ्टवेयर्स के प्रतीक हैं. और यहाँ से हम जो यहाँ हमारे सामने आइकन बने हुए हैं इन सभी सॉफ्टवेयर्स को खोल सकते हैं. किंतु ये सभी सॉफ्टवेयर्स ज़रूरी नहीं है कि हर विंडोज 7 हर एक के कंप्यूटर में हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हैं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं. क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे डाल रखे हैं. आप भी जब समझ जाएंगे, समझने लगेंगे तो अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं. किंतु जब हम केवल ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो कुछ निश्चित सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी हैं वो ही डले हुए आते हैं और पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं. सभी सॉफ्टवेयर्स का मैनेजमेंट का काम वही करते हैं. यही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है. तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को और कौन कौन से उसके लिए इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी उपयोगिता वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, आइए अब हम यहाँ से देखते हैं. देखिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करने जा रही हूँ. देख सकते हैं आप हमारा ये एक मेनू जो स्लाइड स्टाइल में हमारे सामने मेनूज खुले हैं. आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्च प्रोग्राम एंड फाइल लिखा हुआ आ रहा है. ये फाइल या फोल्डर्स को ढूंढने के लिए है. यदि कोई फाइल है जो आपको नहीं मिल पा रही है या कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको यहाँ पे लिख के और ढूंढ सकते हैं. पहले ये सर्च नाम से हमें मिलता था एक्सपी में और यहाँ पे हमें डायरेक्ट यहीं पे इन्होंने दे दिया है. खुलते यहाँ पे सर्च हमारे सामने आ जाता है. तो देख सकते हैं ये कि यहाँ पे हमारे सामने हम कोई भी फाइल को सर्च करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं. आपको पेंट सर्च करना है तो आप यहाँ पे पेंट लिख दें. आपको वर्डपैड सर्च करना है तो वर्डपैड लिख के एंटर कर दें तो वो ढूंढ के यहाँ आपको लिस्ट में ही बता देगा और फिर आप उसको डायरेक्ट भी यहाँ से खोल सकते हैं. नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये हमारे सामने ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आ रही है. जैसे ही मैंने ऑल प्रोग्राम किया है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिस्ट खुल गई है. इसमें ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है. ये मैंने आपको बताया कि इसमें सभी कुछ डले हुए हैं. मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी इसके अंदर कि कौन कौन से हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज़ के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डले हुए आए हैं. ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी. किंतु यहाँ से देख सकते हैं आप कि ऑल प्रोग्राम से हम सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ खोल सकते हैं और जो प्रोग्राम हम चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ अभी ये पूरे प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं. इस कॉम्बो पे इस पे आप क्लिक करेंगे
स्क्रॉल बटन पे, तो आप देखेंगे कि नीचे आपके सभी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और आप जिस भी सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लेना चाहें उसे आप यहाँ से खोल सकते हैं। इनमें एसेसरीज ग्रुप में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लगभग एसेसरीज के सभी सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स में डले हुए मिलते हैं। इनको अलग से डालना नहीं होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डले हुए आते हैं। अभी हम एसेसरीज के अंदर के प्रोग्राम्स को देखेंगे, इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको पहले पूरा एक जो मेन है उसका टूर करा दूँ। तो ये हमने ऑल प्रोग्राम्स को देखा था, आइए वापस हम, मैंने यहाँ क्लिक किया तो मैं वापस ऑल प्रोग्राम के इनेबल, देखिए बैक पे क्लिक किया तो ये बैक आ गई हूँ मैं। नेक्स्ट देख रहे हैं आप ये, और ये जो हैं हमारे जो लैपटॉप है या हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जो हार्डवेयर हमारे काम में आ रहे हैं ये उनके सॉफ्टवेयर हैं। जैसे ये आईबॉल का फेस टू फेस C12.0 वेबकैम है, तो मैंने अगर इसमें वेबकैम लगाया होता तो वो उसका सॉफ्टवेयर मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये देख रहे हैं आप स्नैपिंग टूल, यहाँ से हम शुरू करते हैं। स्नैपिंग टूल जो है, आपकी कोई भी वीडियो में से आपको कोई पिक्चर लेनी है, मीन्स उसको आपको कोई वीडियो में से कोई फ़ोटो कट करना है, तो आप स्नैपिंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो में से भी आप फ़ोटो कट कर सकते हैं, या कोई फ़ोटो है मीन्स इमेज है तो उसमें से भी आप आवश्यकता अनुसार पोर्शन फ़ोटो का कट करके और नया फ़ोटो बना सकते हैं, तो स्नैपिंग टूल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं बता रही हूँ, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, पहले मैं शॉर्ट में सभी सॉफ्टवेयर्स के आपको डिटेल दे रही के बारे में बता रही हूँ कि किस सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं। तो स्निपिंग टूल जो है वीडियो में से या फोटोज़ में से भी फ़ोटो काटकर नया फ़ोटो बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, इसमें हम उसे सेव भी कर सकते हैं नए फ़ोटो को। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पेंट, पेंट का प्रयोग पेंटिंग के लिए किया जाता है। एक्सपी में ये पेंट ब्रश नाम से आता था और यहाँ पे हमें पेंट नाम से ये मिल रहा है। आप देख रहे हैं पेंट पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ एक कॉम्बो बना हुआ है, और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो इधर की तरफ लिस्ट खुल गई है, तो ये जितनी भी फाइलें हमने पेंट में बनाई हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ रही है। आप जैसे ही कोई नई फाइल बनाएंगे तो आप देखेंगे उसकी भी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ये रिसेंट फाइल की लिस्ट यानी अभी ताज़ा प्रयोग में ली गई फाइल्स की सूची है, जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम जब भी फाइल बनाते हैं तो आ जाती है। तो ये आपने देखा पेंट। स्निपिंग टूल जो है विंडोज़ एक्सपी में नहीं था, ये हमारे विंडोज़ 7 में नया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये गेम्स हैं जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमने डाले हुए हैं। ये ब्लू स्ट्रक भी जो है एंड्रॉइड मोबाइल्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ये भी हमने नहीं डाला है। ये VLC मीडिया प्लेयर भी हमारे वीडियोस वगैरह प्ले करने के लिए होता है, प्लेयर है ये, लेकिन ये भी हमारा यूटिलिटी नहीं है। और यूटोरेंट भी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए काम में आता है यूटोरेंट, लेकिन ये सब डले डलाए नहीं आते हैं। ये साइबर लिंक यूकैम भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्योंकि मेरा जो मैं जिस लैपटॉप पे आपको बता रही हूँ इसमें यूकैम का ही वेबकैम साइबर लिंक का यूकैम 5 ही लगा हुआ है, यानी कैमरा जो है इसी टाइप वाला लगा हुआ है, तो वो जब लगा हुआ है तो उसी के साथ ऑटोमेटिकली मेरे सामने साथ ये डला हुआ आया है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अभी इस लिस्ट में आपने देखा कि हमारे पास पेंट और स्निपिंग टूल दो हमारे पास ऐसे थे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे, जो हमारे जब भी हम कोई सिस्टम खरीदेंगे तो उनके साथ डले हुए आएंगे। नेक्स्ट आप इस तरफ की लिस्ट में आ जाइए, यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखिए आप नवाब साहब, ये मेरे कंप्यूटर का जो है नाम मैंने दे रखा है, तो उसकी लिस्ट में नाम आ रहा है कि ये नवाब साहब का कंप्यूटर है। ये आप भी बना सकते हैं आगे चल के, ये मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आवश्यकता अनुसार कर सकती हूँ। ये कोई सॉफ्टवेयर
नवाब साहब नाम से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यूज़र है, यानी जो इसको यूज़ करने वाला है उसका नाम है ये। नेक्स्ट आप दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी भी आइकन पर या किसी भी प्रोग्राम पर कर्सर को लेके जाते हैं, हमारे माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं, तो नीचे उसके बारे में लिखा हुआ भी आता है। तो ये भी वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, फ़र्क इतना है मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये सिस्टम फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर मतलब सिस्टम की तरफ से बनी बनाई एक अलमारी है, और जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं वर्ड पैड में, नोट पैड में, एम एस वर्ड में या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में, तो बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप इसी फोल्डर के अंदर वो जाती हैं। बाई डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कंप्यूटर की अपनी सेटिंग, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर में जाती हैं। यदि आपने कोई फाइल बनाई है और आपको पता नहीं है कि वो हमने कहाँ बनाई है, तो आप इसको इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर से देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखते हैं पिक्चर, जितने भी चित्र आप बनाते हैं वो लगभग इसी में सेव होते हैं, ये भी आपका एक सिस्टम फोल्डर है। और ये वीडियो और फोटोज़ के लिए ही है, मतलब आपकी वीडियोज़ और फोटोज़ को आप इसमें सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई नया फोल्डर नहीं बनाते हैं और कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, तो अपने आप वो पिक्चर फोल्डर में ही सेव होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट ये है म्यूज़िक आपका, इसमें केवल गाने यानी ऑडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए और उसकी सेटिंग के लिए हमारे पास ये फोल्डर है। यदि हम कोई ऑडियो फाइल सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं या हम बनाते हैं, तो वो इस फोल्डर में जाती है। ये भी हमारा सिस्टम फोल्डर है, आप देख सकते हैं ये तीनों हमारे सिस्टम फोल्डर हैं जो हमारी सुविधा के लिए बांटे हुए हैं, कि पिक्चर है तो आप पिक्चर फोल्डर में देख सकते हैं, अगर म्यूज़िक है, ऑडियो है, तो आप ऑडियो म्यूज़िक में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये गेम जो सिस्टम की तरफ से डले डलाए आते हैं कुछ गेम, तो यहाँ कुछ गेम जो है बच्चे खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। किंतु यही गेम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं क्योंकि ये विंडोज 7 के साथ ही डले डलाए आते हैं एंटरटेनिंग के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर हमारे माई कंप्यूटर को खोल देता है, यानी मेरे कंप्यूटर में क्या क्या है, क्या मुझे डालना है या क्या मुझे हटाना है, वो सारी सेटिंग मैं इसमें जाके कर सकती हूँ। तो यहाँ से भी मैं माई कंप्यूटर को खोल सकती हूँ, और डेस्कटॉप पर भी हमारे पास इसके लिए आइकन होता है। यहाँ पे ये कंप्यूटर नाम से आपको दिखाई दे रहा है, और एक्सपी में ये हमें माई कंप्यूटर नाम से मिलता था। आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं सबके नामों को, और आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, किंतु प्राय हमें नाम और आइकन वो रखने चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर आइकन से, सॉफ्टवेयर से क्या काम हो रहा है, वरना हमें ढूंढने में परेशानी होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल, कंट्रोल मीन्स आपको नाम से ही पता लग रहा है, कंट्रोल माने नियंत्रण करना और पैनल माने एरिया, यानी पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला एरिया है ये। इसके द्वारा हम माउस, कीबोर्ड और हमारी जो साउंड, सभी की सेटिंग, पूरे कंप्यूटर की जो है सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को लेते जाएंगे, तब मैं आपको डिटेल से ये सभी चीज़ें बताऊँगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, यदि आपने प्रिंटर इसके अंदर कनेक्ट किया है तो प्रिंटर की सेटिंग, और भी अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप स्कैनर वगैरह लगाते हैं तो उनकी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल में भी हमको मिलता है, और अलग से भी हमारे पास फैसिलिटी है कि स्पेशली यही काम करना है तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये सभी आपके, ये जो आप देख रहे हैं माई कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, डिवाइस एंड प्रिंटर, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर्स ही हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ही हैं ये। नेक्स्ट आप देखते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, इसका प्रयोग हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का प्रयोग हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए या हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करने के लिए, कि जो अभी डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको हम नहीं चाहते हैं, हम किसी और प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इंटरनेट चालू करूँ तो मेरा गूगल क्रोम ब्राउज़र खुले, या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम सबसे पहले ऑटोमेटिकली कोई फ़ाइल खोली जाए तो वो फाइल उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में खुले। जैसे आप वीडियो लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो सीधी मीडिया प्लेयर में खुले, तो उस तरीके की डिफ़ॉल्ट बनाने वाली सेटिंग्स जो है हम यहाँ से करते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से आप किसी भी प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, ताकि वो जब भी हम उस प्रोग्राम को खोलेंगे तो वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर खुलेगा।
और यहाँ से डिफ़ॉल्ट से संबंधित बहुत सारी सेटिंग होती है जो हम आगे बढ़ेंगे तब आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट ये है हेल्प एंड सपोर्ट। यदि आपको विंडोज़ में कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट के द्वारा मदद ले सकते हैं। जो कुछ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो सब यहाँ पे ये लिखे हुए मोड में आपको बताता है कि आपकी ये दिक्कत आ रही है तो आप इसको कहाँ जाके और कैसे चेंज करें। ये भी बहुत उपयोगी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आप इसका प्रयोग करके किसी भी परेशानी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं शटडाउन बटन है ये हमारा, ये कंप्यूटर को बंद करने के लिए होता है। शट मीन्स बंद, डाउन मीन्स नीचे, यानी नीचे की तरफ बंद कर दें, शटर डाउन कर दें। तो जब हमें कंप्यूटर को बंद करना होता है तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये एरो है, इस एरो का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर कुछ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कुछ और भी बटन्स आ रहे हैं, तो हम देखते हैं ये क्या काम करते हैं। ये स्विच यूज़र आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है स्विच यूज़र। स्विच यूज़र मीन्स होता है कि आप एक ही कंप्यूटर पे यदि एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो सभी लोगों को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, और ये जो भी काम कर रहे हैं ये सब यूज़र्स कहलाते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से आपने जैसे देखा था नवाब साहब काम कर रहे हैं, और नवाब साहब के साथ काम करते हुए ही यदि मैं काम करना चाहती हूँ, नीता शर्मा काम करना चाहती हूँ, तो मुझे पहले इसके लिए अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैंने नवाब साहब लिखा हुआ है उसी तरीके से इसमें भी हम एक प्रोसेस द्वारा अकाउंट क्रिएट करेंगे, मतलब एक यूज़र बनाएंगे, यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे कि जैसे नवाब साहब यूज़र है ऐसे एक और यूज़र नीता शर्मा यूज़र मैं बनाऊंगी। ये सब प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, किंतु हम यहाँ समझ लें कि किससे क्या होता है। तो यदि नवाब साहब और नीता शर्मा और भी जो भी यहाँ पे यूज़र बने हुए हैं, तो स्विच यूज़र द्वारा मैं नवाब साहब को बिना बंद किए डायरेक्ट दूसरा यूज़र भी खोल सकती हूँ, यानी नीता शर्मा को भी यहाँ से खोल सकती हूँ। यानी एक यूज़र से दूसरे यूज़र को चेंज करना स्विच यूज़र कहलाता है, लेकिन नवाब साहब को हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं, यानी एक यूज़र को हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉग ऑफ, ये एक यूज़र को बंद करने की प्रक्रिया है। जैसे टर्न ऑफ से कंप्यूटर बंद होता है, ऐसे यदि आप लॉग ऑफ से एक यूज़र बंद होता है, जैसे अभी नवाब साहब यूज़र हैं ये काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नवाब साहब लॉग ऑफ हो जाएं और नीता शर्मा लॉग इन हो, तो मैं लॉग ऑफ कर दूंगी तो नवाब साहब से बाहर आ जाऊंगी और फिर दूसरे यूज़र के अंदर मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ। स्विच यूज़र से मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ और लॉग ऑफ से मैं पूरा अपना खाता बंद कर सकती हूँ और फिर दूसरे खाते में जा सकती हूँ। यदि एक ही सिस्टम से पे एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग अपने स्पेशल काम को करते हैं, सबकी एक प्राइवेसी होती है, तो इसीलिए लॉग ऑफ ही करके आपको काम करना चाहिए। क्योंकि लॉग ऑफ का मतलब ये है कि आप नवाब साहब ने जो जो काम किया है उसको कोई और नहीं देख सकता है, कि जिसको उसका पासवर्ड याद होगा वही उसको देख सकता है और वही उसमें आके काम कर सकता है। तो ये एक ही कंप्यूटर पे एक से अधिक लोग जब काम करते हैं तो उनकी प्राइवेसी के लिए ये यूज़र अकाउंट वाला जो सिस्टम है वो बनाया गया है और ये इसीलिए प्रयोग में लिया जाता है। तो लॉग ऑफ द्वारा हम यूज़र के अकाउंट से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉक, आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी उस पर काम नहीं कर सकेगा, ताला लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रीस्टार्ट है, यानी आपके सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है, हैंग हो गया है, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, कीबोर्ड में से कोई स्विच उसके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पुरानी जो बूटिंग प्रोसेस और इनकी जो वीडियोस है उसमें बताया हुआ है कि रीस्टार्ट कब करना चाहिए और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। यदि आपका कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है तो आप सीपीयू के सिस से कर सकते हैं, और यदि काम कर रहा है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जैसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपर रन नहीं हो रहा है, या बहुत सारी विंडोज़ एकदम खुल गई हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, किंतु इसे रेयर केस में ही करना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्लिप और हाइबरनेट। नीचे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ भी है कि स्लिप्स हमारा क्या करता है। स्लिप माने होता है सोना, और ये कुछ ऐसा ही कार्य करता है, देख सकते हैं आप। कीप्स योर सेशन इन मेमोरी एंड पुट्स द कंप्यूटर इन अ लो पावर स्टेट सो दैट यू कैन क्विकली रिज्यूम वर्कली। यानी
ये जो है आपके कंप्यूटर को थोड़ी सी देर के लिए सुला देता है। यदि आप कंप्यूटर पे कार्य नहीं कर रहे हैं, ये प्राय जो है स्लिप और हाइबरनेट जो है लैपटॉप के साथ उपयोगी हैं। ये आपकी बैटरी को बचाने के लिए होते हैं, यानी जैसे आप काम कर रहे हैं और बीच में आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है या उठ के कहीं जाना है, तो आप कंप्यूटर को शट डाउन करके जाएंगे और आके वापस उसे स्टार्ट करेंगे तो बहुत देर लगेगी और आपको आपके सारों कामों को बंद करके जाना होगा। उस समस्या के लिए हमारे पास ये स्लिप होता है। प्राय लैपटॉप्स के साथ काम करते हैं ये, काम तो सभी में करते हैं लेकिन उपयोगी लैपटॉप के साथ ही हैं, क्योंकि ये बैटरी भी बचाते हैं आपकी। यदि आप इसको स्लिप मोड पे कर देंगे तो हमने जो भी प्रोग्राम खोल रखा है उसे हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। और स्लिप क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एज इट इज़ रखेगा लेकिन इसकी पावर सप्लाई को पूरी तरीके से बंद कर देगा, जिससे कि बहुत कम पावर इसको आती रहेगी जितनी कि इस लैपटॉप को चालू रखने के लिए ज़रूरत है। तो उससे आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी, वो आपकी बैटरी को वैसे के वैसे बना के रखेगा, क्योंकि आप जानते हैं लैपटॉप बैटरी से चलते हैं और बैटरी हमारी, जैसे कहीं अगर हम गए हैं वहाँ पे अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है बैटरी को चार्ज करने की, तो वहाँ हमें बैटरी फुल रखने की ज़रूरत होती है। तो हम वहाँ पर भी और वैसे भी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बैटरी आपकी प्रॉपर तभी चल पाएगी जब आप उसको सही से प्रयोग में लेंगे, वरना आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। जैसे आपका लैपटॉप फुल चार्ज हो चुका है तो आप बैटरी को हमेशा निकाल के रखें, और चार्ज नहीं है तो निश्चित टाइम तक उसे चार्ज करें और देखें आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ आइकन आता रहता है ये बैटरी का। जैसे ये अभी मेरी आधी हो रही है, यहाँ ये अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। हम डबल क्लिक करके इसको पूरी तरीके से देख भी सकते हैं और यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप 1 घंटा 5 मिनट हैं, 46% जो है हमारे पास बैटरी बची हुई है। हम यहाँ से ये सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसी स्थिति में हमारे लिए स्लिप उपयोगी है कि हमारी बैटरी को बचाया जा सके, ज़्यादा समय तक कंप्यूटर को बिना लाइट के काम में लिया जा सके। और जैसे ही हम हमारी जो प्रोग्राम काम कर रहे हैं उसी प्रोग्राम में इसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही मैं भी इसको बंद करके जाऊंगी, यानी स्लिप मोड पे करके जाऊंगी, और 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब भी मैं आती हूँ मुझे इस प्रोग्राम में काम करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, केवल मुझे ये हमारा माउस पैड में माउस को इस प्रकार से हिलाना होता है और वो ऑटोमेटिकली वापस हमारा कंप्यूटर उसी मोड में और उसी उसमें खुल जाता है जहाँ पर हमने काम किया था, छोड़ा था, जिस जगह पे हमने काम छोड़ा था वो हमें तुरंत उसी स्टेट पर, उसी स्टेज पर हमें पहुंचा देता है। तो ये हमारा हुआ स्लिप। नेक्स्ट आप देखते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट का काम होता है, हाइबरनेट और स्लिप लगभग एक जैसे होते हैं, किंतु हाइबरनेट में ये है कि इसको जब हम ऑन करते हैं तो हमें पावर स्विच से जो है ऑन करना होता है, और ये हमारे सेशन को, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको सेव करके और टर्न ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। और जैसे ही हम इसको चालू करते हैं तो वो अपने आप उस सॉफ्टवेयर को खोल देता है, यानी सेव करके ये हमारे सेशन को बंद भी कर देता है। और जब भी हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, इसमें भी हम पावर स्विच से भी डायरेक्ट कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप की बात कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे उसमें तो इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, बैटरी बचाने का मुख्य काम इसका होता है, इसलिए हमें उसमें इतनी डेस्कटॉप में इतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, डेस्कटॉप में भी हमारे प्रोग्राम्स को यदि हमें खोल के रखना हो या अचानक कहीं जाना हो तो हम हाइबरनेट मोड पे कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सेव कर ले और आके हम तुरंत उसको पावर स्विच से क्लिक करके या हमारे माउस को हिला के और चालू कर लें, तो वो हमें जो प्रोग्राम हमने छोड़ा था उसको, जिसको उसने सेव कर लिया था, उसको वापस हमारे सामने ये खोल देगा। तो ये हाइबरनेट और स्लिप लगभग एक जैसा ही काम करते हैं और ये दोनों ही बैटरी बचाने के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। प्राय ज़्यादातर इनका लैपटॉप के साथ प्रयोग होता है और हमें करना चाहिए इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार। तो ये आज आपने देखा भी कि हमारे पास यहाँ जो लिस्ट है इनमें कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं और ये हमारे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर के जो भाग हैं, प्रोग्राम्स
सॉफ्टवेयर से उनको देखेंगे, और उसमें कौन कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे साथ डले हुए आए हैं, उनका क्या क्या प्रयोग है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे और अधिक देखने के लिए सॉफ्टवेयर्स के बारे में या और अधिक हिंदी में बहुत कुछ सीखने के लिए आप YouTube पर नीता शर्मा 12 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट metrocomputers.in पर भी हमें देख सकते हैं, सभी कुछ हिंदी में सीख सकते हैं। थैंक यू।